वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। समझ रहे हो आप सभी के भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, आपके घर में रक्षाबंधन अच्छे से मने। ओह माय गॉड, वाओ। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और आज मेरी भी नंद आ रही है, दीदी आ रही है राखी बांधने के लिए, तो हम तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की। आइए चलते हैं। आज मैं बनाई हूँ पनीर। पनीर तो आप सबने कभी देखा नहीं होगा, तो आज क्या बोला तूने? देख लीजिए, बना रही हूँ। कहीं आप सीरियसली ले लो और नेगेटिव कमेंट करो। यहाँ पे दीदी और बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पे चारुल पहले हर्षित को राखी बांधेगी। अरे खुश हो जा भाई। मम्मी को देख लिए। हमारी शादी को 4 साल होने को आए हैं और दीदी आज पहली बार आई है रक्षाबंधन पे, क्योंकि काफी बार हम जाते थे वहाँ पे और काफी बार दीदी आउट ऑफ दिल्ली रहती थी। ओह माय गॉड, वाओ। इस वजह से रक्षाबंधन पे हम कभी मिल नहीं पाते थे और हमारे घर पे आ नहीं पाती थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि दीदी आई हैं घर पे और हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वामिका की तो ये फर्स्ट राखी है कि वो अपने भाई को राखी बांध रही है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं नहीं मानता। वेलकम टू माय चैनल। उसके बाद राखी बांध दिए। 1000 किलो की मेरी बहन है। हमारी भांजी चारू लगता है ज़्यादा ही बड़ी होगी और ज़्यादा ही समझदार होगी है, क्योंकि वो बार बार अपनी मम्मी से कह रही है नहीं ऐसे टीका लगाओ, ऐसे राखी बांधो, ऐसे मिठाई खिलाओ। अपना ज्ञान दे रही है हम सबको। Not bad. और चारुल की बातें सुन सुन के हमें बहुत हंसी आ रही है और मजाक मस्ती चल रही है हमारे घर में। हमारे घर में एक रिवाज है, जब तक बहन फास्ट रखती है जब तक भाई को राखी ना बांध ले। मैं भी काम करते करते थक गई थी और मेरे पेट में ऐसा लग रहा था कि चूहे सुसाइड करने वाले हैं। और फाइनली मेरे को मिठाई मिल चुकी है और मेरे पेट को राहत मिल चुकी है। यहाँ पे वामिका भी डर रही थी राखी बंधवाते हुए, दूर दूर भाग रही थी क्योंकि छोटा बच्चा है, फर्स्ट टाइम राखी बंधवा रहा है, टीका लगवा रहा है। टीका लगाते हुए तो वो ज़्यादा डर रही थी, पर बातों बातों में ही दीदी ने उसको राखी बांध दी और टीका लगा दिया। ओह माय गॉड, वाओ। यहाँ पे दीदी और चारुल ने सबको राखी बांध दिया। वामिका ने भी फर्स्ट टाइम अपने भाई को राखी बांध दी है। पैर छुओ, पैर रुको रुको रुको। हो गया रेडी और हम सब खाएंगे खाना। मगु खाना। जा तू अपना भी तो खाना ले। लाऊंगी, आपको क्या लगता है मैं भूखी रहूंगी? गजब बेइज्जती है ना, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। तो मैं क्यों भूखी रहूंगी? भैया को दिया हर्षित चीजी है। देख लो कम नहीं है। शाम के बज रहे हैं 7 और बुआ जी हमारी थोड़ा लेट हो गई हैं और वो भी हमें राखी बांध रही है, क्योंकि हमारे में हमारी बुआ जी अपने भतीजे को राखी बांधती है।
अगर आपके घरों में भी आपकी बुआ जी आपको राखी बांधती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वामिका के लिए, वामिका की बुआ दादी लाई है उसके लिए एक ड्रेस, वो भी बहुत सुंदर है और वामिका को अच्छी लगी है। और यहाँ पे आ गया मेरी छोटी नंद, ये सबसे छोटी है और इसकी शादी अभी पिछले साल ही हुई है, इसके शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है। और यहाँ पर इन दोनों भाई बहन की मजाक मस्ती चल रही है। मेरे घर में इतने सारे लोगों को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल हमारा रक्षाबंधन इससे भी ज़्यादा अच्छा बने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का भी त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा मना होगा और बहुत ज़्यादा आपने इंजॉय किया होगा। सही पकड़े हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकें, व्लॉग ला सकें। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।